नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् सर्वव्यापी नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वंदितु सर्वसिद्धे भूमचलमणोवयं गतिम्पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्मो शुद्ध केवली समय सार जी परमागम गाथा नंबर 6 के भावार्थ पर अपन लोग चर्चा कर रहे थे। बातें बहुत सारी आई, द्रव्य और पर्याय की चर्चा, क्यों आचार्य ने अलग अलग जगह अलग अलग दृष्टिकोणों से बात की, उसकी चर्चा अपन लोगों ने कल की स्वाध्याय में की। और यहां पर देखो ये बात आई थी द्रव्य क्या है और पर्याय क्या है, ये बात आ गई थी। यहां पर आ गया था कि द्रव्य दृष्टि से देखा, ये द्रव्य दृष्टि से देखा, द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय माने अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है ना, यहां तक चर्चा हुई थी। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसको उसकी अवस्था उद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है, वो द्रव्य नहीं है, तो एक समय की पर्याय है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है। ही यहां भी ही शब्द का प्रयोग किया, पर क्योंकि अपेक्षा बता दी। देखो जैन दर्शन में बहुत से लोगों को ऐसा भ्रम है, सुन लीजिए थोड़ा, कि बहुत से लोगों को ऐसा भ्रम है कि जैन दर्शन में ही नहीं होता, ही माने एकांत, ही में उनको एकांत की गंध आती है। लेकिन सच्चाई क्या आपको पता है, कि सच्चाई यह है कि अगर आपने अपेक्षा बता दी तो फिर ही का प्रयोग होगा। जैसे आत्मा द्रव्य दृष्टि से नित्य ही है और आत्मा पर्याय दृष्टि से अनित्य ही है, यहां दोनों जगह ही का प्रयोग होगा। और अगर आपने अपेक्षा नहीं बताई तो फिर होगा आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है। क्यों बताई, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने अपेक्षा नहीं खोली है। आप अपेक्षा खोल दोगे ना तो, क्योंकि वो ही लगाना उस दृढ़ता का सूचक है, माने द्रव्य दृष्टि से आत्मा नित्य भी है ये नहीं कह सकते आप, पर्याय दृष्टि से आत्मा अनित्य भी है ये नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि यदि आपने ये कहा कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा नित्य भी है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हो गया कि अनित्य भी है, और वो तो उल्टा हो गया। तो जहां अपेक्षा नहीं खोली जाती वहां पर भी का प्रयोग किया जाता है, और जहां अपेक्षा खोल दी जाती है वहां ही का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जैन दर्शन में ही का प्रयोग होता ही नहीं, ऐसा जिन लोगों को भ्रम है वो भ्रम निकाल देना चाहिए। यहां पर्याय दृष्टि से माने जिस समय सार में आत्मा की शुद्धता के गीत गाए जा रहे हैं है ना, वहां वो कह रहे हैं कि पर्याय दृष्टि से मलिन ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता, मलिन ही क्यों दिखाई देता है,
क्योंकि वर्तमान में अपनी पर्याय में मलिनता के अलावा कौन सी निर्मलता है? निर्मलता का क्रम वो तो तब प्रारंभ होगा कि जब सम्य दर्शन होगा। देखो वैसे एक चीज समझो कि भगवान आत्मा के अनंत गुण हैं और अनंत गुणों में से वैसे देखा जाए तो मलिनता मात्र 21 या 22 गुणों में है उनकी पर्यायों में, बाकी अनंत गुणों की पर्यायों में मलिनता नहीं है। ऐसा होने पर भी जो वो 21-22 गुणों की मलिनता है कि उसकी वजह से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो रहा, इतने गुणों की पर्याय निर्मल है मानो उनमें कोई विकार नहीं है, लेकिन उनके विकार नहीं होने पर भी उनकी मोक्ष मार्ग में कोई कीमत नहीं है। वो निर्विकारी तो है लेकिन सम्यक नहीं है, ये समझने का पॉइंट है। थोड़ा गुरुदेव श्री निकालते थे कि आत्मा के कितने गुणों की पर्यायों में विकार है, तो वो उन्होंने बहुत चिंतन मनन करके 21 या 22 गुणों की पर्यायों में बोलते थे कि ये इन गुणों की पर्यायों में विकार है, बाकी अनंत गुणों की पर्यायों में विकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म का कोई संबंध उनको नहीं है। अब प्रश्न ये कि जब विकार नहीं है तो 20-21 गुणों की पर्याय में विकार है, संसार में आत्मा रुल रहा है कि भाई साहब वो 20-21 गुणों की पर्यायों की निर्मलता मोक्ष मार्ग, उनकी मलिनता संसार मार्ग, उन अनंत गुणों की पर्यायों में निर्मलता होने पर भी उनकी निर्मलता को सम्यक संज्ञा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। ये भी एक पॉइंट है जो समझने योग्य है। अभी यहां पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि मूल जो दर्शन ज्ञान चरित्र है ना, मोक्ष मार्ग का मूल कौन है? मान लो अस्तित्व गुण की पर्याय में विकार नहीं है, द्रव्यत्व गुण की पर्याय में विकार नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? अस्तित्व गुण की पर्याय में विकार नहीं है तो उससे मोक्ष मार्ग को क्या फर्क पड़ा? श्रद्धा गुण की पर्याय में विकार है तो मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान गुण की पर्याय में विकार है तो मोक्ष मार्ग नहीं है, चरित्र गुण की पर्याय में विकार है तो मोक्ष मार्ग नहीं है, है ना, सुख गुण की पर्याय में विकार है तो मोक्ष मार्ग नहीं है, मैंने दुख रूप वर्णन है ना। तो वो ये जो श्रद्धा ज्ञान चरित्र की समीचीनता, मैंने खासतौर से श्रद्धा की सम्यकता से अनंत गुणों की पर्यायों को सम्यक नाम मिलता है, और श्रद्धा यदि सम्यक ना हो तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान और 9वें ग्रेवक तक जाने योग्य कसाई की मंदता और 21-22 गुणों के अलावा अनंत गुणों की निर्मलता वो मोक्ष मार्ग में किसी काम की नहीं, उससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध ही नहीं है, है ना। तो ये वो समझने का विषय है कि देखो यहां पे द्रव्य दृष्टि से आत्म क्या कह रहे हैं, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से आत्मा निर्मल है, मलिन निर्मल ही है, वो तो शुद्ध ही है, और पर्याय दृष्टि से देखोगे तो पर्याय दृष्टि से अकेली पर्याय नहीं दिख रही, क्योंकि पर्याय दृष्टि से देखा किसे जा रहा है, तो पर्याय दृष्टि से द्रव्य को देखता है, पर्याय दृष्टि से द्रव्य को देखा जा रहा है, तो पर्याय दृष्टि से जब द्रव्य को देखोगे तो द्रव्य मलिन ही दिखाई देगा, लेकिन वो मलिनता वो द्रव्य का मूल स्वभाव नहीं है। पर्याय दृष्टि से मतलब पर्याय की अपेक्षा से आप द्रव्य को देख रहे हो तो द्रव्य मलिन दिखाई दे रहा है, सचमुच द्रव्य मलिन नहीं हुआ। नमक की सापेक्षता से देख रहे हो तो सब्जी खारी है, ऐसा बोलते हैं अपन लोग, नमक की सापेक्षता से सब्जी खारी बोलते हैं, लेकिन सब्जी को सब्जी से देखो तो सब्जी में खारापन है ही नहीं, खारा तो नमक है। आ गया? तो द्रव्य को द्रव्य की दृष्टि से देखो तो त्रिकाल निर्मल, और उसी द्रव्य को पर्याय की सापेक्षता से देखोगे तो एक बात और समझो कि द्रव्य को पर्याय की सापेक्षता से देखना एक सत को दूसरे सत की सापेक्षता से देखना
तो यही मेचकपना हो गया, यही मलिनता हो गई वास्तव में, क्योंकि एक सत को आपने दूसरे सत की अपेक्षा लगाई। द्रव्य है वो त्रिकाल सत है, वर्तमान अवस्था है वो वर्तमान क्षणिक सत है। जिस तरह त्रिकाल सत निरपेक्ष है, इसी तरह उसका वर्तमान सत वो भी कैसा है, वो निरपेक्ष है। वो त्रिकाल निरपेक्ष है और वो वर्तमान निरपेक्ष है। एक निरपेक्ष सत को दूसरे निरपेक्ष सत की अपेक्षा लगाना ये भी मेचकपना है, ये व्यवहार है। आलाप पद्धति में 21 प्रकार के उपचारों की चर्चा आई है। देवसेन आचार्य का ग्रंथ है, प्रामाणिक आचार्य है उनका ग्रंथ है, उसमें 21 प्रकार के उपचारों में पर्याय का द्रव्य पर उपचार, इसका मतलब क्या हुआ कि राग के उपचार से आत्मा को रागी कहना यह भी व्यवहार है, और सम्यक दर्शन के उपचार से आत्मा को सम्यक दृष्टि कहना यह भी उपचार है। अरे सिद्ध दशा की पर्याय के उपचार से आत्मा को सिद्ध कहना यह भी उपचार है। क्यों? क्योंकि आत्मा न मिथ्या दृष्टि होता, आत्मा न सम्यक दृष्टि होता, आत्मा न संसारी होता और आत्मा न सिद्ध होता। आत्मा तो आत्मा है। सम्यक दर्शन, अब इसको तत्व की भाषा में ले जाओ इसी बात को, कि सम्यक दर्शन संवर निर्जरा तत्व है, मिथ्या दर्शन आश्रव बंद तत्व है, संसार आश्रव बंद पुण्य पाप तत्व है, मोक्ष सिद्ध दशा वो मोक्ष तत्व है, और भगवान आत्मा कौन सा तत्व है, जीव तत्व है। तो एक तत्व दूसरे तत्व रूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर एक सत को आप दूसरे सत की अपेक्षा लगाओगे, एक सत को दूसरे सत में मिलाओगे, तो सात तत्वों की सिद्धि कैसे करोगे? फिर सात कहां रहेंगे? फिर बराबर है क्या? छह द्रव्य है, अभी ऐसे समझो कि छह द्रव्य है, तो वे छह द्रव्य छह रूप कब है? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो तब तो छह द्रव्य सिद्ध होंगे भिन्न भिन्न। अच्छा अभी देखो, अनंत जीव हैं, तो अनंत जीव अनंत रूप से कब सिद्ध होंगे? जब एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं होगा। तो जो व्यवस्था द्रव्य के स्वरूप को समझने में है कि यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो छह द्रव्य की संख्या खत्म हो जाएगी। एक जीव दूसरे जीव रूप हो जाए तो अनंत जीवों की संख्या खत्म हो जाएगी। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल रूप हो जाए तो अनंत पुद्गलों की संख्या खत्म हो जाएगी। जो बात द्रव्य व्यवस्था में घटित होती है, तत्व व्यवस्था में भी वही बात घटित होती है कि एक तत्व यदि दूसरे तत्व रूप हो जाए तो भिन्न भिन्न सात तत्वों की सिद्धि नहीं कर सकते आप, भिन्न भिन्न सात तत्व ही सिद्ध नहीं होंगे। आ गया है ना इस? अभी आजा, अब क्या होता है कि बोलने में व्यवहार के कथन इतने होते हैं कि उन व्यवहार के कथनों से तो हम परिचित हैं। ख्याल में आ गया? नहीं आ गया? आत्मा का मोक्ष, आत्मा ने मोक्ष किया, आत्मा ने समय दर्शन किया, हम इन व्यवहार के कथनों से तो परिचित हैं, लेकिन इनका जो परमार्थ आशय है वो परमार्थ आशय हम लोग नहीं पकड़ते कि भाई आत्मा को रागी कहा तो आश्रव तत्व की सापेक्षता से आत्मा को रागी कहा। निरपेक्ष रूप से अगर देखो आत्मा रागी नहीं है, राग तो आश्रव तत्व है। आत्मा को दुखी कहा तो आत्मा दुखी है कि सुखी है? कि न आत्मा, आत्मा को दुखी कहना कि वो आश्रव बंद तत्व को आत्मा कहना है, और आत्मा को प्रकट सुखरूप अवस्था से आत्मा को सुखी कहना कि वो समर निर्द्रा मोक्ष को आत्मा कहना है, वो भी उपचार है। आत्मा सुख गुण स्वरूप है, लेकिन आत्मा
प्रकट पर्याय की अपेक्षा से आत्मा को सुखी कहना, आ गया, पर्याय का द्रव्य पर उपचार है। और ये बात अगर ऐसे नहीं आवे ना समझ में तो 13 नंबर की गाथा पढ़ लेना समय सारी। 13 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने बिल्कुल यही बात कही। उन्होंने कहा कि एक के अपने आप 7 तत्व नहीं होते, अकेला जीव 7 रूप परिणमन नहीं कर सकता और अकेला पुद्गल 7 रूप परिणमन नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या कहा कि आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाला, ये दोनों आश्रव है। बंद होने योग्य और बंद करने वाला, ये दोनों बंद है। संवर निर्जरा मोक्ष होने योग्य और संवर निर्जरा मोक्ष करने वाला, ये दोनों संवर निर्जरा मोक्ष है। कि ये क्या है तो उन्होंने कहा इनमें से एक है जीव का एक समय का परिणाम, वो है होने योग्य, और कर्म पुद्गल वो उसको लिया उन्होंने करने वाला। मैंने वहां यहां जीव मैंने एक समय के जीव परिणाम को आश्रव कहा, तो उस आश्रव रूप एक समय के जीव परिणाम का कर्ता कौन, उन्होंने वहां पे कर्म के उसको लिया। क्यों? क्योंकि जीव तत्व त्रैकालिक ध्रुव तत्व आश्रव नहीं करता, बंद नहीं करता, पुण्य नहीं करता, पाप नहीं करता, संवर नहीं करता, निर्जरा नहीं करता और वास्तव में मोक्ष नहीं करता। ऐसा जो भूतार्थ स्वभाव है कि जिसमें एक समय के परिणाम मात्र का अभाव है, एक समय का निर्मल परिणाम हो, मलिन परिणाम हो, विकारी परिणाम हो, अविकारी परिणाम हो, अपूर्ण परिणाम हो, पूर्ण परिणाम हो, साधक परिणाम हो, बाधक परिणाम हो, परिणाम मात्र का जिसमें अभाव है, ऐसा ध्रुव त्रैकालिक भूतार्थ स्वभाव को देखना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये लिया है 13 नंबर की गाथा, है ना। सब जगह एक ही बात आचार्य भगवान ने कही है। अभी देखो आगे अपन लेते हैं, फिर एक दो बिंदु अपने हो रहे हैं उस पर देखेंगे। तो ये हो गया, अभी देखो जा मलिनी, ये देखो द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायक भाव से जड़त्व नहीं हुआ। अब देखना जड़त्व नहीं हुआ, अब यहां देखो, यहां द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है। कहा? यहां माने कहा? 6 नंबर की गाथा में। अभी तक तो पंडित जी ने ऊपर से सारी बात की, अब उस बात को 6 गाथा में अप्लाई किया उन्होंने कि यहां जो कथन है, कौन सा कथन, कि ज्ञायक भाव प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। कि ये जो कथन किया है आचार्य देव ने कि ये द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके, यानी द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से, यानी द्रव्य स्वभाव को लक्ष्यगत करते हुए, पर्याय को गौण कोटि में रखते हुए उन्होंने ये कथन किया है, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, प्रमत्त और अप्रमत्त के भेद हैं, वे पर द्रव्य के संयोग जनित पर्याय है। प्रमत्त माने विकारी परिणाम और अप्रमत्त माने निर्विकारी परिणाम, अविकारी परिणाम। समझ में आ गया कि ये पर द्रव्य के संयोग जनित, पर द्रव्य के संयोग जनित माने क्या, कि कर्म के विकारी परिणाम में यानी प्रमत्त दशा में कर्म के उदय का, कर्म के उदय की अपेक्षा आती है और ये अप्रमत्त दशा में कर्म के अनुदय की अथवा कर्म के अभाव की अपेक्षा आती है। माने क्या मतलब हुआ इसका, कि विकारी पर्याय कर्म के उदय के सद्भाव में होते हैं, यानी प्रमत्त दशा के परिणाम कर्म के उदय के सद्भाव में होने वाले परिणाम हैं, कर्म के उदय के सद्भाव से नहीं,
लेकिन उसके सद्भाव में, उदय के सद्भाव में, और अप्रमत्त दशा के जो परिणाम हैं कि वे अप्रमत्त दशा के परिणाम कर्म के अनुदय के सद्भाव में होने वाले परिणाम हैं। और आपने जब निमित्त उपादान की चर्चा आप पढ़ोगे जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला सोनगढ़ से प्रकाशित है, और गुरुदेव श्री की उपस्थिति में जब 20 दिन का श्रावण महीने का शिविर लगता था तो अनिवार्य रूप से जैन सिद्धांत प्रवेश प्रश्नोत्तर माला की कक्षा लगती थी। ख्याल में आएगा ना, बेसिक उससे अपना कंप्लीट होगा। तो उसमें जहां निमित्त उपादान की चर्चा आई तो निमित्त के अनेक प्रकार के भेद प्रभेद किए, प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, सद्भाव रूप निमित्त, अभाव रूप निमित्त, ये भेद किए कि नहीं किए। और ये सारे भेद आचार्य कुंद देव के ग्रंथों में आपको मिलते हैं। समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में सद्भाव रूप और अभाव रूप निमित्त का दृष्टांत दिया, समुद्र में लहरें चल उठती है उसमें हवा का होना सद्भाव रूप निमित्त है, और समुद्र शांत है कोई लहरें उसमें नहीं उठ रही है तो उसमें कहा हवा का नहीं चलना अभाव रूप निमित्त है। आ गया वही यहां पे कहा क्या कि प्रमत्त दशा कर्म के कर्म का उदय सद्भाव रूप निमित्त है, अप्रमत्त दशा कर्म का अनुदय उसमें अभाव रूप निमित्त है। हुआ क्या कि ये पर द्रव्य के संयोग जनित पर्याय है ना। अप्रमत्त दशा को भी पर द्रव्य के संयोग जनित पर्याय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि त्रिकाली स्वभाव उस अप्रमत्त दशा की पर्याय का भी करता नहीं है। क्यों करता नहीं है, क्योंकि वो उस रूप नहीं होता किसी भी कार्य का कर्ता होने के लिए, उस रूप होना पड़ेगा। कुमार घड़े का कर्ता तब हो सकता है जब वो मिट्टी हो जाए, मिट्टी बनकर के कुमार घड़े का कर्ता हो सकता है। अगर वो मिट्टी नहीं बनता तो फिर घड़ा रूप परिणमन मिट्टी का हुआ ना कि कुमार का। इस बात को तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि हां घड़े रूप परिणमन मिट्टी का हुआ कुमार का नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी बात कही जाती है कि कुमार से नहीं हुआ कुमार का नहीं हुआ, ये तो स्वीकार है, लेकिन कुमार से नहीं हुआ तो अच्छे अच्छों की धरती हिलती है। करता क्या कुमार, कुमार के बिना हो गया, कुमार नहीं है तो हो गया। अरे कुमार नहीं होने का प्रश्न नहीं है, घड़ा होता है वहां कुमार होता ही है, और कुमार लेकिन कुमार से होता है इस बात की कोई, इस बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 372 नंबर की गाथा समय सार की पढ़ लेना, कुमार घड़े का उत्पादक है ही नहीं, ये लिखा है अमृतचंद्र आचार्य ने, हमें उत्पादक नहीं दिखाई देता। क्या होता है कि ज्ञानी को जो नहीं दिखाई देता ना अज्ञानी को वो दिखाई देता है, ज्ञानी को दिखाई नहीं देता पर द्रव्य की क्रिया का करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया का करता दिखाई नहीं देता, और अज्ञानी को एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया का ही करता दिखाई देता है ना। तो ये जो अज्ञानी का डेढ़ अकल्पना है, डेढ़ डायापन जिसे बोलते हैं, तो ये इसके लिए निगोद का कारण बनता है। दो देखो तो ये आ गया संयोग जनित पर्याय है, वह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, गौण है द्रव्य दृष्टि में, गौण है का मतलब क्या कि द्रव्य दृष्टि में वो अशुद्धता विषय नहीं की जाती, गौण है
व्यवहार है, गौण है का मतलब द्रव्य दृष्टि की चर्चा चले और उस समय बार बार हमें अशुद्धता याद आवे कि देखो अशुद्धता है, देखो प्रमत अप्रमत के भेद हैं, पर्याय है, गौण किया है, तो जो बार बार याद आवे उसका नाम गौण नहीं कहते, वो तो मुख्य हो गया। बार बार याद आ रहे तुमको काहे का गौण हुआ वो, है ना। वो यहां पे कह रहे हैं प्रमत अप्रमत के भेद हैं, ये आ गया वे द्रव्य दृष्टि में गौण है। गौण है का मतलब द्रव्य दृष्टि में वे दिखाई नहीं देते, आ गया, दिखाई नहीं देवे उसका नाम गौण, क्योंकि दिखाई दे दे, दिखाई देने लगे तो फिर गौण कहां हुआ, दिखाई दे दिया, दिखाई दिया ना तो दिखाई दिया तो गौण कहां हुआ, तो वो गौण नहीं होता। तो देखो गौण है क्या है, वो दूसरा नाम दिया व्यवहार है, तीसरा नाम दिया अभूतार्थ है, अ माने नहीं, भूत माने विद्यमान, अर्थ माने पदार्थ, अ भूत अर्थ, इन तीन शब्दों से मिलकर के बना है अभूतार्थ। अ माने नहीं, भूत माने विद्यमान, अर्थ माने पदार्थ, कि वो प्रमत अप्रमत के भेद वे द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से देखो तो विद्यमान पदार्थ ही नहीं है, मतलब वो है ही नहीं, इसका नाम गौण, वो बार बार याद आवे उसका नाम गौण नहीं। असत्यार्थ है क्यों, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो सत्यार्थ वस्तु है, भूतार्थ वस्तु है, तो उसकी अपेक्षा से प्रमत अप्रमत के भेदों को क्या बोलेंगे, असत्यार्थ है। उपचार है क्यों, उपचार है क्योंकि अन्य द्रव्य के संयोग से हुए ना, तो अन्य द्रव्य तो परद्रव्य है, तो परद्रव्य के संयोग से होने वाली आत्मा के साथ में वो परिणतियां, तो वो तो उपचार है, उपचार से आत्मा की, उपचार से बात है, अगर आत्मा का कहा हो कि उपचार समझना उसको आप। द्रव्य दृष्टि कैसी है तो कहते शुद्ध है, क्यों, क्योंकि द्रव्य दृष्टि में द्रव्य दृष्टि माने द्रव्य और दृष्टि का भेद मिट गया, क्या हुआ, द्रव्य और दृष्टि, तो वो दृष्टि तो पर्याय है और उस पर्याय का विषय है द्रव्य, ऐसी जो द्रव्य दृष्टि कि जहां दृष्टि और दृष्टि के विषय का भेद दिखाई नहीं देता, दृष्टि को दृष्टि दिखाई नहीं देती, किसका नाम द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि किसका नाम, कि जिस दृष्टि को दृष्टि दिखाई नहीं देती दृष्टि को द्रव्य दिखाई देता, इसका नाम द्रव्य दृष्टि, आ गया। हां शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, कितने नाम दिए, इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, भेद है ही नहीं, और भेद दिखे तब तक दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं होती, और स्वभाव सन्मुख हुई दृष्टि में, अरे जब दृष्टि को दृष्टि नहीं दिखाई देती तो प्रमत्त अप्रमत्त क्या दिखाई देंगे, ऐसी वो दृष्टि है, अद्भुत बात है। देखो इसलिए आत्मा ज्ञायक की, उसमें भेद नहीं है। अब देखो ये कहा ज्ञायक, अब ये यहां तक किसका स्पष्टीकरण किया उन्होंने, कि यहां तक उन्होंने स्पष्टीकरण किया पहले पैराग्राफ का, अब दूसरा पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ माने कौन सा, वही दाये वाला था ना, ज्ञायक ज्ञान ज्ञेय का, उसका स्पष्टीकरण पंडित जी की भाषा में बहुत सरल भाषा में उन्होंने ये स्पष्टीकरण किया। देखो ज्ञायक नाम भी
उसे गेयो को जानने से दिया जाता है। ज्ञायक नाम पढ़ा ना, ये कहा था ना ज्ञायकता प्रसिद्ध है, उस भाव को ज्ञायकता प्रसिद्ध है, मैंने सब लोग उसको ज्ञायक कहते हैं। तो ज्ञायक क्यों कहते हैं कि गेयो को जानने से उसका नाम ज्ञायक है, ज्ञायक पड़ता है। क्यों? क्योंकि गेय का प्रतिबिंब जब झलकता है, गेय का प्रतिबिंब जब झलकता है, ये झलकना ये किसकी अवस्था है? ज्ञान की अवस्था है। अब इतनी अपेक्षा के बिना वो समझा नहीं सकते, तो बोलना तो पड़ेगा गेय का प्रतिबिंब जब झलकता है। सच में गेय का प्रतिबिंब नहीं है वो, है तो ज्ञान का ही परिणाम, लेकिन गेय की सापेक्षता के बिना आप समझा नहीं सकते उसे। तो गेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव, अनुभव माने ज्ञान होता है, जैसा गेय है वैसा ही ज्ञान में ज्ञान होता है, ज्ञान में वो अपने से होता है। तथापि उसे गेयकृत अशुद्धता नहीं है। क्यों नहीं है गेयकृत अशुद्धता? क्योंकि गेयकृत अशुद्धता तो तब होवे ना कि जब ज्ञान में वो गेय आवे। ज्ञान में तो गेय आया नहीं, गेय ने तो वो रचना स्वतंत्र, ज्ञान में ने तो वो रचना स्वतंत्र अपने उपादान से अपने सत्कारक से किए। तो गेय की पराधीनता जब उसको है ही नहीं, गेय कृत अशुद्धता कैसे होगी? क्योंकि जैसा गेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ, जिसको उन्होंने गेयाकार कहा था, वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। कि तुम उसे गेय का ज्ञान, कि गेय का ज्ञान ऐसा बोला गया ना, शुरुआत में बोला जाएगा कि गेय का ज्ञान हुआ, ये असद्भूत व्यवहार है। कौन सा ये असद, कौन सा व्यवहार? असद्भूत। कि ये गेय का ज्ञान नहीं है, सच में ये ज्ञान का ज्ञान है, कि ये सद्भूत व्यवहार हुआ। क्योंकि ज्ञान का ज्ञान इतना भेद पड़ा कि एक ज्ञान का ज्ञान है, इस भेद में भी खड़े नहीं रहो तो ये तो ज्ञायक ही है। समय सार की 355 गाथा से 356 गाथा से 365 नंबर तक 10 गाथाएं हैं, सेटिका की गाथाएं कहलाती है, और उसमें ये बात उन्होंने लिखी है। देखो मैं अभी पढ़ के ही बता देता हूं एक मिनट। यह जो मैं जानने वाला हूं, यह कैसे गया का अनुभव, कि यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं माने गेय नहीं, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है। कौन है जानने रूप क्रिया का कर्ता? कि स्वयं ही है। और जिसे जाना, कि जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है, माने जानने वाला कोई अलग और जानने में आने वाला कोई अलग, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्ता कर्म का अनन्यपना है। हाँ, ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, और यह शुद्ध नय का विषय है। देखो एक बात समझ, छठी गाथा में
हालांकि आचार्य देव ने किसी नए का प्रयोग नहीं किया। सातवीं गाथा में नए का प्रयोग किया, चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। वहां भी एक बात ध्यान देखो कि चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, है ना। और जहां निश्चय की बात, जहां परमार्थ बात आई ना, वहां नए का प्रयोग नहीं किया। क्या कहा? चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। ये कहकर के कुछ आचार्य विशेष बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं जरा सोचो इस पे। और छठी गाथा में किसी नए का प्रयोग नहीं किया, है ना। हालांकि बाद में नयों के संबंध में प्रश्न उठाए, वो अलग बात है। मूल गाथाकार कुंद कुंद आचार्य देव ने छठी गाथा में नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहाए और जो ज्ञात वो तो वो ही है। बोलो, इसमें निश्चय का प्रयोग किया कि व्यवहार का प्रयोग किया? सोचो जरा, बहुत गंभीर बात कहना है, इसलिए कह रहा हूं कि निश्चय का भी प्रयोग नहीं किया और व्यवहार का भी प्रयोग नहीं किया। और सातवीं गाथा में इतना कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र के तो व्यवहार कहता है, वास्तव में दर्शन नहीं ज्ञान नहीं चारित्र नहीं ज्ञायक शुद्ध है। वहां ज्ञायक शुद्ध बताकर दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद का निषेध करते हुए ज्ञायक शुद्ध तो बताया, लेकिन निश्चय नए शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों? इसके पीछे बहुत गहरा कारण है। क्या गहरा कारण है? कि जब भी आप किसी नए के प्रयोग करके वस्तु को देखोगे तो नए हमेशा सापेक्ष होते, नए कभी निरपेक्ष नहीं होते। तो अगर आप ये कहोगे कि आत्मा निश्चय से शुद्ध है तो सापेक्षता में खड़ा हो गया व्यवहार से अशुद्ध है। आप ये कहोगे निश्चय से आत्मा अभेद है तो सापेक्षता में खड़ा हो गया व्यवहार से भेद है। ख्याल में आ गया? आ गया। वो कहते हैं कि हमें तो वस्तु को नए की दृष्टि, अब हमें वस्तु को नए से नहीं स्वभाव से देखना है। आत्मा शुद्ध निश्चय से है कि स्वभाव से है? स्वभाव से शुद्ध है। स्वभाव की शुद्धता को स्वभाव से शुद्ध है ऐसा कहने का नाम अथवा जानने वाले ज्ञान के अंश का नाम निश्चय है। आत्मा निश्चय से शुद्ध नहीं है। आत्मा निश्चय से अभेद नहीं है, आत्मा स्वभाव से अभेद है। इसलिए उस अभेद को अभेद रूप से जानने वाले ज्ञान के अंश का नाम निश्चय न है, लेकिन निश्चय से आत्मा अभेद है। वो कहते हैं कि हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते कि तुम सापेक्षता में भी व्यवहार को खड़ा करो, कि ये हमें मंजूर नहीं है। किस हद तक व्यवहार का निषेध आना चाहिए, है ना। अरे 11 नंबर की गाथा में अभूतार्थ कह दिया व्यवहार को, तो ऐसे थोड़ी कह दिया। कितना उसके पीछे वजन जोर लगाना पड़ा आचार्य देव को कि तुम स्वभाव से देखो ना वस्तु को, नए से देखोगे तो नए तो सापेक्ष होता है, तो तुम सापेक्षता में व्यवहार को खड़ा किए बिना रहोगे नहीं। और जहां व्यवहार की सापेक्षता आई
तो भगवान आत्मा शुद्ध है तो वहां पर उस शुद्धता पर वजन नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से थोड़ी शुद्ध है। तो उस शुद्धता पर जो वजन जाना चाहिए वो वजन नहीं जाएगा और वो वजन शिथिल हो जाए, ढीला हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा को वस्तु से शुद्ध देखो, आत्मा को वस्तु से अभेद देखो, नए का नए से नहीं, नए से निश्चय से आत्मा शुद्ध है, निश्चय से आत्मा अभेद है, कहते ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है। हां, आत्मा की शुद्धता, आत्मा के अभेदता को विषय करने वाले ज्ञान के अंश को निश्चय कहते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन निश्चय से आत्मा शुद्ध है, कहते हैं आत्मा की शुद्धता को निश्चय की भी अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव से शुद्ध है और स्वभाव का कोई प्रतिपक्षी नहीं है। आ गया, अब स्वभाव का कौन प्रतिपक्षी हो सकता है, स्वभाव का कोई प्रतिपक्षी नहीं है, है ना। तो हमें शुद्धता, हमें वो शुद्धता दृष्टि का विषय है, ध्यान से सुनना अभी, तो हमारी वो शुद्धता दृष्टि का विषय है जो निश्चय नय की सापेक्षता वाली नहीं है, जो स्वभाव की शुद्धता है जिसमें कोई सापेक्षता नहीं है। निश्चय नय से सापेक्ष शुद्धता अगर वो दृष्टि का विषय बनाएंगे तो साथ में व्यवहार नय की अपेक्षा सापेक्षता वाली अशुद्धता खड़ी होगी। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा ना, नयातिक्रांत होकर भगवान आत्मा का अनुभव कर ले। हल में आया, क्यों, क्योंकि नए का विकल्प खड़ा रखेगा तो दूसरा नए सापेक्षता में खड़ा होगा और तू विधि निषेध के विकल्पों में ही उलझा रहेगा। वस्तु तो वो है जिसमें ना विधि करनी है ना निषेध करना है, स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव से अभेद है, ऐसी वस्तु वो हमारी दृष्टि का विषय है, हमारे ज्ञान का ध्येय है, हमारे ध्यान का ध्येय है। शेष चर्चा प्रारंभ।